नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वचायाणं नमो लोये सर्वसाहु मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदायो धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगल मांगल्यं सर्व कल्याणकारकं प्रदानं सर्व धर्मानां जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतं नमः समय साराय सानुभूत्याचकाशदे चिस्सवाय भावाय सर्वभावान्तरक्षे वंदे तो सर्वसिद्धे दुर्मचलमणोगतिम्पत्ति गोच्छामि समय पावुः शुद्ध केवली मन समय सारजी परमागम शास्त्र है। समय सारजी परमागम शास्त्र है। भगवान कुंदकुंद आचार्य देव जो कि इस दिगंबर परंपरा की पहचान है और मंगलाचरण में जिनका हम तीसरे नंबर पर स्मरण करते हैं, भगवान महावीर और गौतम गणधर के बाद तीसरे नंबर पर जिनका स्मरण करते हैं, ऐसे महासमर्थ दिगंबर संत कुंदकुंद आचार्य ने समय सार का प्रारंभ करते हुए अनंत सिद्धों को वंदन करके केवली और सुत केवलियों के द्वारा कहे गए इस समय सार प्रावृत को कहने की प्रतिज्ञा की है। यानी समय सार को सूत्र रूप में भले ही कुंदकुंद आचार्य ने लिपिबद्ध किया हो, लेकिन ये समय सार परमागम सच में तो केवली और सुत केवली की परंपरा से अनादि अनंत चला आया है। क्योंकि भगवान आत्मा अनादि अनंत तत्व है, अनादि अनंत सत्ता है, और उस भगवान आत्मा की सत्ता का परिचय कराने वाला ये महान परमागम, ये भी वास्तव में लिपिबद्ध कभी भी हुआ हो, लेकिन इसकी जो विषय वस्तु है, एक ध्रुव शुद्धात्मा को बताने वाला जो ये परमागम है, इसकी जो विषय वस्तु है, इसका जो वाच्यभूत शुद्धात्मा है, वो वाच्यभूत शुद्धात्मा तो अनादि अनंत है। इसलिए अनादि अनंत परमात्मा को बताने वाला, अनादि अनंत चैतन्य सत्ता को बतलाने वाला ये परमागम अपने आप में इतना अद्भुत है कि जिसकी 415 गाथा में एक एक गाथा शुद्धात्मा का संगीत अपने को सुनाती है। देखिए, यहां तक कल अपनी चर्चा हुई थी, अन्वयार्थ में यहां तक अपन आ गए थे के ध्रुव, अचल और अनुपम इन तीन विशेषणों से युक्त गति को प्राप्त हुए सर्व सिद्धों को नमस्कार करके, वंदन करके, नमस्कार करके क्या कहते हैं आचार्य, अहो श्रुत केवलियों के द्वारा कथित यह समय सार नामक प्रावृत कहूंगा। ये आचार्य देव ने प्रतिज्ञा वाक्य किया और मंगल के लिए नमस्कार के रूप में
वंदित तू सब सिद्धे कहकर के अनंत सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया। इसका मतलब क्या हुआ कि समय सार का पहला पाठ यह है कि तेरा साध्य पूर्ण है, सिद्ध दशा है, और उस सिद्ध दशा का उत्पादन या सिद्ध दशा की उत्पत्ति जिस तत्व के आश्रय से होती है कि ऐसा तेरा जो तत्व है, आश्रयभूत तत्व है, जिसको ध्येयभूत तत्व कहते हैं, कि वो ध्येयभूत तत्व भी पूरा है। समय सार को हाथ लगाने के साथ ही, समय सार की पहली गाथा पढ़ने के साथ ही हमारे चित्त में से मैं पामर हूं, मैं विकारी हूं, मैं अशुद्ध हूं, मैं अपूर्ण हूं, मैं रागी द्वेषी हूं, ये सारे बोल अपने बंद हो जाने चाहिए कि मैं तो सिद्धों के जैसा हूं। देखो ये बात नियम सार की दो गाथाओं में आचार्य भगवान ने कही है, 47 और 48 नंबर की गाथा है, और उसमें उन्होंने यही बात कही कि जैसे सिद्धालय में सिद्ध परमात्मा विराजमान है वैसे ही भवलीन संसारी को जानो। क्यों? आचार्य भगवान क्या देखते हैं कि वो अपना द्रव्य स्वभाव देखते हैं, पर्याय में द्रव्य स्वभाव को भूल जाने की वजह से एक समय के लिए विकृति उत्पन्न हुई। विकृति का स्वीकार नहीं है, ऐसी बात नहीं है, विकृति एक समय की पर्याय में हुई है, लेकिन विकृति मेरा त्रैकालिक स्वरूप नहीं है। अरे विकृति पैदा ही इसलिए हुई, विकृति नाम ही इसका है कि हमने अपने को विकारी माना। अगर हम अपने को शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वीकार करते जैसा कि उस शुद्ध चैतन्य सत्ता का स्वभाव है, यदि हम वैसा अपने को स्वीकार करते तो विकृति कहां होती? विकृति अपूर्णता, अशुद्धता, मलिनता, जो कुछ भी नाम देना हो, वो उस शुद्ध चैतन्य सत्ता के विस्मरण का फल है। समझ आ गया? तो आचार्य भगवान ने हमें अपना साध्य तत्व तो बता दिया कि तेरा साध्य मतलब तुझे अगर प्राप्त करने योग्य कोई दशा है तो वो सिद्ध दशा है। सिद्ध दशा से कम की बात तो यहां करना ही नहीं, और उस सिद्ध दशा की प्राप्ति के उपाय के रूप में केवली भगवान ने अथवा श्रुत केवलियों ने जो समय सार अर्थात शुद्धात्मा का स्वरूप कहा। समय सार माने गाथाएं नहीं, गाथाएं तो वाचक है, लेकिन उन गाथाओं के द्वारा जिस एकत्व विभक्त स्वरूप का वर्णन करने की प्रतिज्ञा आचार्य भगवान ने की, आगे पांचवें नंबर की गाथा में ये कहेंगे कि दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से, दर्शाऊं तो करना प्रमाण छल ग्रहो स्खल ना बने, कि मैं अपने संपूर्ण निज वैभव से एकत्व विभक्त शुद्धात्मा को दिखाऊंगा। बस इन दो शब्दों पर पूरा समय साथ टिका हुआ है, एकत्व और विभक्त, माने मैं अपने से एकमेक हूं। समझ आ गया? और द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नव कर्म से मैं कैसा हूं कि मैं विभक्त हूं। भले ही मैंने उन्हें अपना माना हो, अपना जाना हो, उनमें अपने पने रूप आचरण करने का मिथ्या प्रयास किया हो, लेकिन अनादि काल से आज तक उन्हें अपना मानते हुए भी एक भी परद्रव्य, एक भी परभाव आत्मा का नहीं हुआ। विचार करो, अपन ने संसार में परिभ्रमण करते हुए कितने कितने शरीर धारण किए, संयोग में कितने कितने शरीर अपने आए, और जब जब जो जो शरीर मिला तब तब उस शरीर को अपना माना कि नहीं माना? माना, लेकिन एक भी शरीर का, एक भी रजकण,
आत्मा का बना, नहीं बना तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनमें अपने पने की मान्यता सिर्फ और सिर्फ भ्रांति थी, भ्रांति के अलावा कुछ नहीं था, और हम दुखी भी उसी भ्रांति से थे। पंडित टोडरमल जी ने लिखा, भ्रम जनित दुख के दूर करने का उपाय क्या, तो उन्होंने कहा कि भ्रम को दूर कर दो। और भ्रम क्या है, तो यही तो भ्रम है, हमें शुद्धात्मा का वास्तविक स्वरूप हमारे ख्याल में नहीं आता, वास्तविक स्वरूप हम उससे हम परिचित नहीं है, और जो शुद्धात्मा के नहीं हैं, उन्हें हम शुद्धात्मा के रूप में जानते हैं। इसलिए सबसे पहले आचार्य भगवान सिद्धों को हमारे सामने लाए, और सिद्धों को लाकर के उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने ये बताया कि देखो तुम्हें अपनी आत्मा का वास्तविक स्वरूप देखना है तो इन सिद्धों को देख लो, इन सिद्धों में से जो निकल गया वो तुम्हारे साथ भी अनंत काल तक रहने वाला नहीं है, और इन सिद्धों के पास जो है यानी इन सिद्धों को जो प्रकट हुआ है उस संपूर्ण वैभव से भरे हुए तुम इसी समय हो। स्वीकार तो कर, जीव को विश्वास ना आता है, जीव को ज्ञानी भगवंतों की बात का भरोसा कहां आता है ना। देखो बहुत अच्छी बात कही, टीका देखो, टीका में कुछ देखते हैं यहां से, संस्कृत टीका है ना, तो संस्कृत टीका में सबसे पहले शब्द डला है अथ प्रथमत एव स्वभाव भाव भूत तया, शब्द देखो अथ, अथ शब्द का मतलब क्या, अथ माने क्या मतलब कि बीती ताई विसारी दे आगे की सुध ले। बहुत से लोग इस बात से दुखी हैं, अरे साहब इतना बढ़िया योग मिला है ना, 45-45 साल तक गुरुदेव की वाणी बरसी, हमने खूब लाभ लिया, लेकिन हमने पूरा समय ऐसे ही बर्बाद कर दिया। ठीक है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है बात, तो देखो पहले तो वो अवसर बर्बाद कर दिया, तो जो बर्बाद कर दिया वो समय तो चला ही गया, अब उस समय को मैंने बर्बाद कर दिया ये विकल्प करके आप और हम क्या कर रहे हैं बोलो हा? अरे बर्बाद कर दिया तो आबाद कर लो, गया सो गया, यहां तो जब जाग जाए तभी सवेरा है, ख्याल में है कि नहीं है, जब जाग जाए तब सवेरा। तो यहां पर आचार्य भगवान ने क्या लिखा देखो टीका में, यहां संस्कृत टीका में अर्थ शब्द मंगल के अर्थ को सूचित करता है, मंगल का मतलब, मंगल के अर्थ को सूचित करता है, क्या मतलब क्या, अथ, अथ माने मंगल, मंगल माने क्या कि मलिनता का नाश और निर्मलता की उत्पत्ति, इसका नाम मंगल है। मंगल किसे कहते हैं, मंगल की परिभाषा क्या है, तो ये अथ शब्द आया ना अथ, अरे हो गई ना, जो हो गई उसको भूल जाओ, अभी नई शुरुआत करो ना, जो अवसर बीत चुका, जो अवसर चला गया उसको याद करके पछताने से क्या बीता हुआ अवसर वापस आ जाएगा, अरे हम तो अनादिकाल से नरक निगोद में भटके, हमने तो ऐसा किया, हमने तो वैसा किया, हमने आगे नहीं, बहुत लंबी छोड़ी रामायण अपन लोग गाते, आचार्य कहते भूल जाओ, भाव एक समय का है, गया अभी भाव रही स्वभाव। देखो तो कितनी गजब की बात है कि पर्याय में संसार परिभ्रमण चलता रहा और उसी समय स्वभाव कैसा था कि भव और भव के अभाव स्वरूप स्वभाव था, पर्याय में मिथ्या दर्शन चलता रहा, एक एक समय करके अनादि से पर्याय में मिथ्या दर्शन चलता रहा, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह कि स्वभाव कभी भी मिथ्या दर्शन के कारण रूप नहीं था, स्वभाव मिथ्या दर्शन का कारणभूत था ही नहीं, मिथ्या दृष्टि को मैंने अज्ञानी अज्ञानी अज्ञान की दशा में पर्याय में मिथ्या दर्शन है,
लेकिन स्वभाव मिथ्या दर्शन का कारण नहीं है। क्या कहा? समझना थोड़ा गंभीर है। पर्याय में अशुद्धता है इस बात से इनकार नहीं है, लेकिन पर्याय में अशुद्धता होने पर भी स्वभाव अशुद्धता का कारण नहीं है। पर्याय में अपूर्णता है यह बात सत्य है, लेकिन स्वभाव कभी भी अपूर्णता का कारण नहीं है। अपूर्ण तो है ही नहीं, अशुद्ध तो है ही नहीं, विकारी तो है ही नहीं, मिथ्या दृष्टि तो है ही नहीं, लेकिन सच तो यह है कि वह स्वभाव मिथ्या दर्शन का, अशुद्धता का, अपूर्णता का, विकार का कारण भी नहीं है। समझ आ गया? पर्याय में पामरता चलती रही, लेकिन स्वभाव कभी भी पामरता का कारण नहीं है। अरे स्वभाव तो पामरता के काल में ही प्रभु है। क्या कहा? जिस समय पामरता चल रही है उसी समय यदि स्वभाव प्रभु नहीं होवे तो आप ये कैसे कहोगे कि ये पामरता है? माने कोई चीज ऐसी होनी चाहिए कि जिसके साथ में तुलना करके हम ये कहते हैं कि ये पामरता है। पर्याय में अशुद्धता चली, एक एक समय करके अनादिकाल से अशुद्धता चली, आज तक अशुद्धता चल रही है, तो ये अशुद्धता है ये आप और हमने कहा किसके आधार पे? कि इसी समय यदि स्वभाव शुद्ध नहीं होवे तो ये अशुद्धता है, ये कथन भी कैसे करोगे आप? नक्की तो करो जरा। मिथ्या दर्शन आत्मा को अशुद्ध नहीं करता, बल्कि आत्मा को अशुद्ध मानने का नाम मिथ्या दर्शन होता है। आत्मा मिथ्या दर्शन से अशुद्ध होता है? बोलो, मिथ्या दर्शन से अशुद्ध होता है आत्मा, या आत्मा को अशुद्ध मानने से मिथ्या दर्शन होता है? बताओ जरा। कोटा में तो ये प्रश्न कर सकते हैं, बाबूजी बहुत खोल खोल के गए सारे रहस्य। बोलो, ये बाबूजी की बात बोल रहा हूं मैं आपसे, चैतन्य की चहल पहल में लेख पढ़ लेना। अशुद्ध मान मैंने, देखो स्वभाव अशुद्ध नहीं होता। मिथ्या दर्शन माने किसका नाम? कि स्वभाव को अशुद्ध मानने का नाम मिथ्या दर्शन है। तो अगर स्वभाव को अशुद्ध मानने का नाम मिथ्या दर्शन है तो मिथ्या दर्शन के काल में ही स्वभाव कैसा होना चाहिए? अगर स्वभाव शुद्ध ना हो तो अशुद्ध को अशुद्ध मानने का नाम मिथ्या दर्शन कैसे होगा फिर? नहीं आए समझ में? स्वभाव ही अशुद्ध हो गया। अगर स्वभाव ही अशुद्ध है तो अशुद्ध को अशुद्ध मानने का नाम मिथ्या दर्शन कैसे हुआ? और अशुद्धता कैसे होती है भैया, जरा विचार करना। अशुद्धता मिलावट से होती है भगवान आत्मा के साथ। अरे और की तो क्या बात करें, अपनी ही कही जाने वाली शुद्ध और अशुद्ध पर्यायों की, अपूर्ण और पूर्ण पर्यायों की मिलावट भी उस शुद्धात्मा में नहीं हुई है। अज्ञानी ने मिलावट की कल्पनाएं तो की, अज्ञानी ने मिलावट की कल्पनाएं तो की, लेकिन मिलावट की कल्पनाएं आज तक भी साकार नहीं हो पाई है। क्यों? क्योंकि यदि एक समय के लिए भी अज्ञानी ने जिसकी मिलावट की कल्पना की और वो यदि उस स्वभाव में मिल जाती तो अज्ञानी के अज्ञान का अंत हो जाता उसी समय। राग को आत्मा में मिलाकर आत्मा ने अपने को रागी माना तो है, तो रागी माना, तो रागी मानने रूप मान्यता का अस्तित्व है। क्या कहा? रागी मानने रूप मान्यता का अस्तित्व है, लेकिन रागी आत्मा का अस्तित्व पूरे विश्व में नहीं है। क्या कितनी ऊंचाई से बात की आचार्य भगवंत ने? आत्मा रागी हो, अरे रागी तो, राग तो आश्रव तत्व का लक्षण है। राग कौन सा तत्व में आता है बोलो जरा, बताओ। सात तत्व तो मानते हो कि नहीं? तो राग कौन से तत्व में आता है?
कि राग आश्रव तत्व में आता है और आत्मा कौन सा तत्व है? जीव तत्व है। तो जीव तत्व यदि आश्रव तत्व रूप हो जाए और आश्रव तत्व यदि जीव तत्व रूप हो जाए तो सात तत्व कैसे रहेंगे? विचार तो करो जरा, कितनी सामान्य सी बात है। मिलावट की तूने कल्पना की है लेकिन तुझ में मिलावट नहीं हुई है। विकारी हूं ऐसी तूने कल्पना की है लेकिन विकार का एक अविभागी प्रतिच्छेद भी तेरे त्रिकाली स्वरूप में नहीं मिला है। आचार्य कहते प्रसन्न हो जा, तेरा अनादि काल से आज तक कुछ बिगड़ा ही नहीं है। अरे साहब कैसी बातें करते हो, हमने तो यह पढ़ा है कि एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, एक श्वास में 18 बार में जन्मा और मरा हूं। कितनी बार बोलो बोलो? 18 बार। तो मैंने कहा भाई साहब यदि एक बार ये मर गया तो दूसरी बार मरने के लिए कहां से आया ये बताओ। नहीं आया समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहा? मर गया ना ये, जब पहली बार में मर गया तो दूसरी बार मरने के लिए कहां से आया, और यदि दूसरी बार मरने के लिए आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहली बार मरा नहीं था, मरा ही नहीं था है? तो हुआ क्या था? कह रहे शरीर के संयोग की अपेक्षा से जन्म, शरीर के वियोग की अपेक्षा से मरण कहे तो जाते हैं, जन्म मरण की चर्चा की तो जाती है लेकिन भगवान आत्मा का जन्म मरण होता ही नहीं। भगवान आत्मा को भव का परिचय ही नहीं है, वो तो ऐसा शुद्धात्मा है कि जिसमें भव नहीं है और जिसमें भव का भाव नहीं है। ऐसे शुद्धात्मा को भूलने से एक समय की अवस्था में भव और भव का भाव खड़ा हुआ, एक समय की अवस्था में खड़ा होने वाला वो भव और भव का भाव तेरे त्रिकाली स्वभाव में प्रवेश नहीं करता। ऐसा वज्रमय तत्व है। अरे वो तो प्रवेश नहीं करता, विकार तो प्रवेश नहीं करता, विकार के प्रवेश के लिए तो नो एडमिशन का बोर्ड है, लेकिन जिनवाणी तो यहां तक कहती है कि विकार का अभाव करके प्रकट होने वाली निर्मलता का प्रवेश भी तेरे शुद्ध स्वरूप में नहीं है। क्यों? क्योंकि विकार का अभाव करके प्रकट होने वाली शुद्धता वो नई शुद्धता है। कैसी शुद्धता है? वो नई शुद्धता है और तू तो अनादि से शुद्ध है, तू तो त्रिकाल शुद्ध है। मोक्ष नया शुद्ध हुआ है, मोक्ष माने नई शुद्धता और मुक्त स्वरूप माने सनातन शुद्धता। मोक्ष पूर्ण पवित्र है और भगवान आत्मा परम पवित्र है। पूर्ण और परम उसमें महिमा किसकी है? पूर्ण की है कि परम की है? अरे भाई जिनवाणी खोल के पढ़ो, एक ज्ञायक भाव को परम भाव कहा और ज्ञायक भाव के अलावा औदयिक भाव से लेकर छायिक भाव तक को अपरम भाव कहा। क्या कहा? क्या कहा? छायिक भाव तक को अपरम भाव। नियम सार पढ़ो खोल के। वो तो जब पर्याय पर्याय का पर्याय पर्याय की चर्चा हो तब विकार को अपरम भाव कहते हैं और निर्मल भाव को परम भाव कहते हैं, लेकिन जब स्वभाव और पर्याय के बीच की चर्चा हो तो सदा शाश्वत रहने वाला एक रूप त्रिकाल स्वभाव वो परम भाव है और उस परम भाव के अलावा मोक्ष की पर्याय भी अपरम भाव है। ज्ञायक तत्व कहता है कि ये मोक्ष तो नया प्रकट हुआ है लेकिन मैं तो अनादि से मुक्त स्वरूप ही हूं। अरे जिन सुबुद्धियों में और कुबुद्धियों में पहले से शुद्धता है
उनमें कुछ भी भेद मैं किस नए से जानूं, ये हमारे वीतरागी संतों के बोल होते हैं। कुछ भी भेद मैं किस नए से जानूं, या मतलब क्या कि संसारी और सिद्ध में भेद जानने का कोई नए हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो सबको द्रव्य दृष्टि से ही देखते हैं, हमको तो सब भगवान ही दिखते हैं, पर्याय दृष्टि से हम किसी को देखते ही नहीं। ये अर्थ है इस अथ शब्द में, ये सब भरा है। तो अथ शब्द मंगल के अर्थ में, मंगल के अर्थ को सूचित करता है। यानी अब तक हमने आत्मा को विकारी मानकर, आत्मा को अपूर्ण मानकर, आत्मा को अशुद्ध मानकर, आत्मा को भव वाला मानकर, आत्मा को भटकने वाला मानकर, आत्मा को जन्म मरण करने वाला मानकर भगवान आत्मा का अमंगल करने का प्रयत्न किया। हालांकि आत्मा का अमंगल हुआ नहीं, लेकिन अमंगल करने में हमने कोई कसर नहीं रखी। पर्याय में इतना अमंगल किया कि जो भगवान आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी था, उसे अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान के उगाड़ की दशा में पहुंचा दिया। दशा में स्वभाव का नाश नहीं हुआ, पर्याय में ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया। जबकि पर्याय का भी स्वभाव, ध्यान से सुनना, कि पर्याय का भी स्वभाव विकार रूप होना नहीं है। स्वभाव तो विकारी होता ही नहीं, अज्ञानी का हो कि ज्ञानी का हो, भव्य का हो कि अभव्य का हो, स्वभाव तो किसी का विकारी होता ही नहीं। लेकिन सच तो यह है कि पर्याय का स्वभाव भी विकार रूप रहना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विकार का अंत हो जाता है। तो जिसका अंत हो जाए, भले पर्याय में विकार है, ध्यान से सुनना कि विकार कहां है, कि विकार पर्याय में, लेकिन पर्याय में विकार का अंत हो जाता है ना, अंत नहीं होता। तो जब पर्याय में विकार का अंत हो जाता है, इससे इस बात की सिद्धि होती है कि विकार पर्याय का भी स्वभाव नहीं है, पर्याय का स्वभाव भी निर्विकार है। क्यों? क्योंकि निर्विकार धारा एक बार प्रकट होने के बाद सादी अनंत काल तक उसका कभी अभाव नहीं होता। वो पर्याय में वो धारा सादी अनंत काल तक चलती है। इससे इस बात की सिद्धि होती है कि अरे विकार, मलिनता, अशुद्धता, अपूर्णता, द्रव्य का तो स्वभाव है ही नहीं और द्रव्य में तो है ही नहीं। द्रव्य का स्वभाव भी नहीं और द्रव्य में वो चीज है ही नहीं। पर्याय में ये सब होने पर भी पर्याय का ये स्वभाव नहीं है, इसलिए एक बार पर्याय में से इनका अभाव होने के बाद अनंत काल तक ये विकार पर्याय में कभी आता नहीं। हम कहते पर्याय को भी पर्याय के स्वभाव से देखो। जिनवाणी कहती है कि बंधन एक योग्यता है और मुक्ति यानी मोक्ष, मुक्त होना, यह पर्याय का स्वभाव है। एक योग्यता है, बंधन आ गया है। क्यों आ गया है? कि तू भूल गया अपने को। रे अनंत वैभव का स्वामी, निपट भिकारी बन फिरता। क्या है ना आत्मज्ञान की गाथा में, क्या कि रे अनंत वैभव का स्वामी, निपट भिकारी बन फिरता, खाक छानता चौरासी की लेकिन पेट नहीं भरता। हुई अरे नादानी से, नादानी से यह दीन दशा, भगवान दीन नहीं हुआ है, यह दीन दशा भगवान की, कि भगवान आत्मा की ऐसी दशा हुई, भगवान आत्मा में कुछ बिगाड़ नहीं हुआ। सुधरने का अवसर, संभलने का अवसर आत्मा के पास सदैव विद्यमान है। क्यों विद्यमान है? क्योंकि आत्म तत्व विकारी होता ही नहीं। इसलिए पर्याय, जिस क्षण पर्याय दृष्टि का त्याग करके उस धूप त्रिकाली में अपनापन स्थापित करे, उसी समय पर्याय का मंगल हो जाता है।
पर्याय के उस मंगल को अथ कहते हैं। अथ माने अब तक जो हुआ सो हुआ, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। इसका नाम है अथ शब्द, मंगल के अर्थ को सूचित करता है। बोलो, अभी तो टीका का पहला शब्द है अथ, क्योंकि तत्व मंगल स्वरूप है। धवलाकार ने तो प्रश्न उठाया धवला की पहली पुस्तक में कि जीव मंगल है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा मानने से तो मिथ्या दृष्टि को भी मंगल बना हो जाएगा। आचार्य भगवान ने कहा कि हमें इष्ट है, क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में भी कर्म का छहकारीपना पाया जाता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी मंगल स्वरूप है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि के ज्ञान, मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी विकृत नहीं हुआ है। विकार से अज्ञानी का ज्ञान भी विकार से भिन्न पड़ा है, भिन्नता का उसे भान नहीं है, इसका नाम उसका अज्ञान है। समझ आ गया? भिन्नता का भान हो जाए तो अभी अज्ञान का अभाव हो जाए, चिंता क्या करना। अरे अनंत ज्ञानियों के वचन अपन लोगों के सिर पर है। आया तो अर्थ शब्द मंगल अर्थ के अर्थ को सूचित करता है। ग्रंथ के प्रारंभ में आचार्य देव कह रहे हैं सर्व सिद्धों को, कोई सिद्ध को बाकी नहीं रखा ना। नमो लोए सब त्रिकालवर्ती सिद्धानम, क्या कहा? नमोकार मंत्र आता है ना, गुरुदेव श्री का मंगलाचरण पढ़ते हैं ना, वो धवला के आधार से पढ़ते हैं। धवला में लिखा कि जो नमो लोए सब पद है ना, ये अंत दीपक है। तो सर्व सिद्ध, सर्व सिद्धों को कोई सिद्ध बाकी नहीं। अरे इसमें तो अपन खुद भी आ गए, क्यों? अपन सिद्ध नहीं होने वाले क्या? अगर अपन लोग ही सिद्ध नहीं होएंगे तो सिद्ध कौन होएगा फिर? हाँ, ये मक्खन लगाने की बातें नहीं है, ये सच्चाई है। जिसको इस पंचम काल में समय सार और समय सार की देशना रुचती है, अंतरंग प्रीति से जो इस स्वभाव की बात को सुनता है, तत्प्रति प्रीति चित्ते न एन वार्ता पी ही श्रुता निश्चित सद भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। कौन कह रहे हैं? पद्मनंदी आचार्य। पद्मनंदी पंचविंशतिका में कहते हैं कि इस चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा की बात को सत एक जिसने प्रसन्न चित्त से सुनी है। शर्त क्या लगा? प्रीति चित्ते ना, सुनने के लिए सुनना अलग बात है और आत्मा के हित के लिए सुनना अलग बात है। तो प्रीति चित्ते ना, प्रसन्न चित्त से इस चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा की बात सुनी है, वह जीव निश्चित स भवेत भव्यो, वह जीव निश्चित रूप से भव्य है। बोलो, अपन लोगों का नंबर आता है कि अपने को शंका है इसमें भी अभी है? तो पता नहीं भैया, अभी कहते तो है लेकिन पता नहीं, अभी केवली भगवान तो कोई है नहीं, तो अपने को क्या पता अपन भव्य हैं कि अभव्य हैं। अरे शंका करना ही नहीं, संदेह रखना ही नहीं कि मैं अभव्य होऊंगा तो, अगर हम अभव्य होते तो इस प्रांगण में आकर के समय सार की देशना को सुन नहीं रहे होते। ये समय सार के शब्द हमारे कान में पड़ रहे हैं, ये हमारी भव्यता की निशानी तो है, लेकिन ध्यान रखना शर्त एक कि प्रीति चित्ते। देखो का निश्चित स भवे भव्यो भावी निर्वाण भाजनम, भविष्य में, निकट भविष्य में होने वाले मोक्ष का भाजन मैंने पात्र है। ये बात कौन कह रहे? पद्मनंदी आचार्य कह रहे हैं, सत्य महाव्रत के धारी वीतरागी संत कह रहे हैं, है ना, जिनकी बात अफर है। हमें एक डॉक्टर की बात पर भरोसा आता है, अपने को कोई बीमारी हो
और अपन डॉक्टर को दिखाने गए, डॉक्टर ने कहा भाई बहुत तकलीफ है, एक ऑपरेशन होगा और 6 महीने तक बेड रेस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बेड रेस्ट, हिलना नहीं, और अगर हिलने की कोशिश करो तो मौत को सिराने रख करके सोना पड़ेगा। मेरा प्रश्न ये कि जिस डॉक्टर ने यह कहा कि 6 महीने आप बेड रेस्ट करो, आप पहले की तरह चंगे हो जाओगे, तो पहले तो मेरा प्रश्न उस डॉक्टर से कि तेरी 6 महीने की गारंटी है कि नहीं, बता ज्ञानचंद जी साहब, 6 महीने की तेरी गारंटी है कि नहीं, एक बार। और एक बात बताओ भाई साहब कि 6 महीने में हम ठीक हो जाएंगे, ये जिस डॉक्टर ने कहा वो सत्य महाव्रत का धारी है या सत्य अनुव्रत का धारी है, बोलना जरा, बोलो। उसके पास क्या है, सत्य अनुव्रत है कि सत्य महाव्रत है? लेकिन अगर उस डॉक्टर ने कह दिया तो हम डॉक्टर से ये नहीं कहते कि डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हो, 6 महीने अगर अभी हम बेड रेस्ट कर लिया तो हमारा पीक सीजन का समय है ये, क्या? तो पीक सीजन के समय में अगर हम 6 महीने बेड पर पड़े रह गए और हमने व्यापार धंधा नहीं किया तो ये सीजन निकल जाएगा, सीजन के बाद हम ऑपरेशन कराएंगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा? डॉक्टर कहेंगे फिर कराने की जरूरत ही नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? आप सीजन करो, बाद में ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। बोलो, हम अपने पीक सीजन को छोड़कर ऑपरेशन कराएंगे या नहीं कराएंगे कि नहीं कराएंगे, बोलो, है ना? और ये बात कौन कह रहे हैं कि चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा की बात यदि तूने रुचि पूर्वक सुनी, निकट अवश्य तू निर्वाण का पात्र है। ये बात वे वीतरागी संत कह रहे हैं जिन्होंने उस चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव किया है। अरे जिनके मति श्रुत ज्ञान में, जिन्हें अपने केवल ज्ञान के दर्शन हुए हैं, साधक दशा में जिन्होंने साध्यता को, साध्य दशा को जान लिया है, भले ही अभी साध्य दशा प्रकट नहीं हुई लेकिन अपनी साधक दशा में जिन्हें अपनी साध्य दशा का साक्षात्कार हो गया है कि मेरी साध्य दशा ऐसी होगी, और तब अपने को वो ये बात कह रहे हैं, उनकी बात पर, हमें एक डॉक्टर की बात पर जितना भरोसा है क्या उतना भी भरोसा है? विचार करना। और फिर हम प्रश्न करें साहब सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? मैंने कहा इसीलिए नहीं होता, तुम्हें चाहिए नहीं, नहीं होता। जिसे चाहिए और नहीं हो ऐसा 3 काल में नहीं होता, और जिसे नहीं चाहिए और उसे हो जाए ऐसा कभी नहीं होता। आया? सुगानी जी का दृष्टांत अपने सामने है। पहली बार जब वो सोमगढ़ गए, कितनी तीव्रता अंदर में परिणामों की लेकर के गए थे कि या तो ये विकल्प का अंत होगा नहीं तो देह छूट जाएगी, ऐसी विकल्प की अशांति में मैं नहीं रह सकता। तो जहां विकल्प से भिन्नता की बात सुनी कि राग और ज्ञान जुदा है, अगला सूरज सोनगढ़ की धरा पर मिथ्यात्व का नहीं देखा, है ना? हमारी पात्रता हो, और पात्रता का एकमात्र लक्षण क्या लक्षण कि तेरे को स्वभाव की कितनी तीव्रतम रुचि है, स्वभाव की तीव्रतम रुचि वो पात्रता का लक्षण है, इसके अलावा पात्रता का कोई लक्षण नहीं। वो ना हो और पात्रता के नाम पर हम कितनी ही चीजें इकट्ठी कर लें कुछ नहीं होगा, और वो हो तो जिन चीजों की पात्रता के लिए आवश्यकता होती है वो चीजें अपने आप हो जाती है। समझ आया? रुचि, क्योंकि रुचि अनुयायी वीर है, रुचि का अनुगमन पुरुषार्थ करता है। वचनामृत में एक बोल आया, वैन श्री के वचनामृत में बहुत गजब का बोल आया
कि जो पहले उपयोग को पलटना चाहता है लेकिन रुचि को नहीं पलटता तो उपयोग नहीं पलटता। मार्ग की यथार्थ विधि का क्रम यह है कि पहले रुचि पलटे तो उपयोग पलट ही जाता है। हम क्या करते हैं कि रुचि तो रखी है पांच इंद्रिय के विषयों में और भगवान आत्मा के अतिंद्रिय आनंद का रस चाहते, रुचि तो पड़ी है संयोगों में और स्वभाव चाहिए, कि रुचि बदलेगी तो उपयोग बदले बिना नहीं रहेगा और रुचि नहीं बदली तो उपयोग के बदलने का कोई चांस नहीं। भैया मार्ग तो बहुत सीधा और बहुत सरल है, हमने अपनी कठिनाई की कल्पना से इसे कठिन बना लिया है। दो और दो चार होते इसमें क्या कठिनता है, बस ये ऐसा मार्ग है ना। तो यहां पे देखो कितनी गजब की बात कही कि मंगल यहां क्या कहा कि ग्रंथ के प्रारंभ में सर्व सिद्धों को भाव द्रव्य स्तुति से, सिद्धों की भाव स्तुति क्या है कि सिद्धों को जो प्रकट हुआ वैसा अंश अपने में प्रकट होना वो सिद्धों की भाव स्तुति है। क्या मतलब कि भेद ज्ञान की ज्योति जलाकर शुद्धातम में रमते हैं, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं, है ना। मुनिराज की दशा का वर्णन एक भजन में किया ना कि कैसे होते हैं मुनिराज कि क्षण क्षण में अंतर्मुख होते हैं और क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर के जिस समय वो शुद्धात्मा का उपयोग रूप से स्वसंवेदन कर रहे हैं उस समय उनका लाइटिंग कॉल मोबाइल कहां लग रहा है, सिद्धों के साथ लग रहा है। क्या मतलब कि अरे सिद्ध भगवान जिस अतिंद्रिय आनंद का भोग कर रहे हैं उसी अतिंद्रिय आनंद का भोग वे कर रहे हैं, तो ये सिद्धों की भाव स्तुति हुई। माने सिद्ध जिस भाव के साथ एकाग्र एकाकार हैं उसी भाव के साथ ये साधक एकाकार हो गया, इसको बोलते हैं सिद्धों की भाव स्तुति। और द्रव्य स्तुति क्या कि प्रभो आपके और हमारे बीच में कहा जाने वाला जो थोड़ा अंतर है वो अंतर भी अब हम अनंत काल तक रहने नहीं देंगे, है ना। जिस पथ पर चल तुम सिद्ध हुए बस उसी पथ पर हम आ रहे हैं, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरणा, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरण। बोलते नहीं बोलते बारह भाव शरण ये है ना? होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया। यानी क्या मतलब इसका कि सिद्ध शरण में आने का मतलब क्या कि सारे जग से निराश हो गया, जगत के एक रज कण की भी अंतरंग में रुचि नहीं रही। प्रभो जिस विधि से आप सिद्ध हुए उसी विधि से मैं सिद्ध होऊंगा। अरे जिसने अंतर्मुख होकर के अपने भगवान आत्मा का साक्षात्कार किया उसे भगवान से भी नहीं पूछना पड़ता कि भगवान मेरी मुक्ति कब होगी। क्यों होगी? क्योंकि जिसे मुक्त स्वरूप दिख गया अब वो मुक्ति के पीछे नहीं भगता। ध्यान से सुनना, जिसे अपना मुक्त स्वरूप दृष्टि में आया, जिसे अपना मुक्त स्वरूप ज्ञान में आया, जिसे अपना मुक्त स्वरूप अनुभव में आया, अब वह मुक्ति के पीछे नहीं भगता, अब मुक्ति उसके पीछे भगती है। नियम सार ने इस शब्द का प्रयोग किया कि ऐसा जीव मुक्ति रूपी कांता का बल्लभ होता है। हमें मुक्ति प्रिय है लेकिन धन्य तो वे हैं जो मुक्ति को प्रिय हो गए। कौन है मुक्ति को प्रिय? कि साधक जीव मुक्ति को प्रिय है, वरमाला लिए खड़ी है मुक्ति कि इन साधक के गले में मुझे वरमाला डालनी है, क्योंकि पर्याय वरण करने वाली है। स्वभाव मुक्ति का भी वरण करने वाला नहीं। ऐसे स्वभाव की जिस साधक ने आराधना शुरू की अब अल्प काल में मैं भी आपके समान हो जाऊंगा। देखो
भाव की एकाकारता हुई, जिस स्वभाव का अनुभव सिद्ध भगवान कर रहे हैं उसी स्वभाव का अनुभव साधक जीव ने प्रकट किया। कौन से गुण स्थान से प्रकट किया? चौथे गुण स्थान से। घबराना नहीं, जिनवाणी में श्रुत ज्ञान से अपने भगवान आत्मा को जानने वाले धर्मात्मा को निश्चय श्रुत केवली कहा है। क्या कहा? द्वादसांग के पाठी हैं वो तो परंपरा श्रुत केवली कहलाते ही हैं। यहां अध्यात्म दृष्टि से बात है कि सारे द्वादसांग का तात्पर्य क्या था, कि सारे द्वादसांग का तात्पर्य यही तो है ना कि शुद्धात्मा को जानना। नियम सार में कलश आया है, जैन शासन में तो अनुभूति करने का विधान है। तो जैन शासन का विधान क्या? कि आत्मा की अनुभूति। तो जिसने आत्मा की अनुभूति प्रकट कर ली, समय सार की 9वीं नंबर की गाथा कहती है, वह जीव निश्चय सुत केवली है। प्रवचन सार की 33 नंबर की गाथा कहती है, केवल ज्ञानी भगवान अपने केवल ज्ञान के द्वारा आत्मा को आत्मा से आत्मा में जानते हैं, इसलिए वे केवली हैं। ख्याल में आ गया? इसी तरह हम लोग भी, मैंने आचार्य भगवान अपनी बात कर रहे हैं कि हम भी अपने श्रुत ज्ञान से आत्मा को आत्मा में आत्मा से जानते हैं, इसलिए श्रुत केवली हैं, इसलिए विशेष जानने की आकांक्षा के क्षोभ से बस हो जाओ। सच बोलता हूं आपको कि जो हमारा मन मयूर इधर उधर भटकता है ना, ये भी जान लूं, 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 इसमें एक को भी नहीं जान पाओगे। अध्यात्म रहस्य गुरुदेव श्री के प्रवचन है, अध्यात्म संदेश रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, उसमें उन्होंने एक दृष्टांत दिया। क्या दृष्टांत दिया? क्या दृष्टांत दिया? कि एक नाविक था और एक नाविक की नाव पर एक पंडित जी सवार हो गए, और पंडित जी की व्याख्या क्या कि बिना बोले रहे तो पंडित के साथ। अब कोई, अब उसको सभा नहीं मिली तो नाविक पर अपनी पंडिताई झाड़ने लगा कि बोल भाई नाविक, तूने कुछ संस्कृत वगैरह पढ़ी है? तो उन्होंने कहा महाराज, हमने तो ये नाव चलाना सीखा है, ये दो लकड़ियां होती है और उससे ऐसे ऐसे करके नाव को खेते हैं हम। तो तेरी जिंदगी गई पानी में। ठीक है महाराज, जो आप बोलो। थोड़ी देर गए फिर पंडित जी को, क्यों पंडित जी है ना, तो फिर बोले अच्छा ये बता तूने साहित्य तो पढ़ा होगा। क्या महाराज, मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, तेरी तो आधी जिंदगी पानी में गई। फिर आगे गए अच्छा ये बता छंद अलंकार न्याय वगैरह 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 वगैरह, कि ये तो पढ़ा होगा, देख हमने ये पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है, हमें ये आता है, हमें वो आता है। महाराज मुझे तो नाव चलाना आता है, नाव चला के अपने परिवार का पालन पोषण करना आता है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। पंडित जी ने कहा तेरी जिंदगी पानी में गई। अगले थोड़े दूर चले, नदी में आया तूफान, नाव डगमग 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 डोलने लगी, नाविक तैराक था, उसने पंडित जी से पूछा, अब का प्रश्न पंडित जी से था कि बोलो पंडित जी नदी से तैरना आता है कि नहीं? कि भैया सब कुछ सीखा बस ये नदी में तैरना ही नहीं सीखा। तो पंडित जी मैं तो तैर करके उस पार जाता हूं, अब तुम्हारी पूरी जिंदगी गई पानी में। समझ आ गया कि मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मुझे मैंने ये सीखा, मैंने ये सीखा, मैंने ये सीखा। आचार्य भगवान कहते हैं तिरने की कला सीखी कि नहीं?
कि नहीं सीखी गई तेरी जिंदगी पानी की। ये बात उदाहरण में कही, लेकिन ये बात पाहुड़ दोहा में मुनिराज राम सिंह ने कही। क्या कही? श्रुत का पार नहीं है, जिंदगी छोटी है, जंजाल बहुत है, इसलिए वो कला पहले सीख लेना जिससे संसार परिभ्रमण का किनारा आ जाए। है ना, हमारे पास बुद्धि कम है, समय कम है, झंझटें, जितना समय है उसमें भी झंझटें बहुत है, और शास्त्रों का तो कोई पार नहीं है, द्वादसांग भरा है। इसलिए सबसे पहले वो कला सीख लो कि जिससे आत्मा संसार समुद्र से पार हो जाए। आ गया? बहुत सीधी सी बात है। तो ये यहां पे कह रहे हैं, देखो कि द्रव्य सिद्धों को भाव स्तुति से और द्रव्य स्तुति से अपने आत्मा में, मैंने अपनी पर्याय में तथा पर के आत्मा में स्थापित करके, क्या मतलब कि जितने भी श्रोताजन हैं उन सबके आत्मा में हम अनंत सिद्धों की स्थापना करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कुंद कुंद आचार्य देव ने अपने को अपने अंदर में अनंत सिद्धों की स्थापना करने की योग्यता वाला जीव समझा, और उन्होंने तो अपने को वैसी योग्यता वाला जीव समझकर उनकी ओर से सिद्धों की स्थापना कर दी। सिद्धों की स्थापना कर दी माने क्या कि उन्होंने हमारे विकार को, हमारी अपूर्णता को, हमारे दोषों को, हमारी विकृतियों को नजरअंदाज करके अपने को एक शुद्ध सिद्ध स्वरूप ही देख लिया। उन्होंने तो ये काम कर दिया, लेकिन उनकी स्थापना से हमारा भला होने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो उनने स्थापना की, लेकिन उनकी स्थापना को जब तक हम स्वयं स्थापना में नहीं बदलेंगे, मतलब हम स्वयं अंतर्मुख होकर के अपनी परिणति में अनंत सिद्धों की स्थापना नहीं करेंगे। अनंत सिद्धों की स्थापना का मतलब यह कि हम अपने को सिद्ध से रंच मात्र भी कम मानेंगे, तब तक अनंत सिद्धों की स्थापना नहीं हुई। स्थापना का बल है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव यहां हुआ था, और उस समय स्थापना निक्षेप का बल आपने देखा होगा। देखा था क्या था कि प्रतिष्ठाचार्य जी ने हमारे में से ही कुछ लोगों को उठाया और मंच पर बैठा दिया और कहा आज इनकी इंद्र प्रतिष्ठा होगी। हुई थी कोटा के पंच कल्याणक में? हुई थी कि नहीं हुई थी? तो क्या किया था पंच कल्याणक में उनने? ये किया था कि एक मंत्र पढ़ा था, और एक मंत्र पढ़ करके एक रक्षा सूत्र हमारे हाथ में बांध दिया। क्या हुआ? इंद्र बन गए। इंद्र बन गए माने क्या हुआ कि अब इस मनुष्य पर्याय संबंधी सारे व्यवहार आपके आठ दिन या पांच दिन या छह दिन जितने दिन के लिए पंच कल्याणक में इंद्र की स्थापना की उतने दिन तक आप मनुष्य गति के सब व्यवहारों से कट गए। घर में किसी की मौत हो जाए अथवा घर में किसी का जन्म हो जाए, जिसके हाथ में स्थापना निक्षेप का वो रक्षा सूत्र बंध गया, उस जीव को सुआ सुतक नहीं लगता। ख्याल में? अरे मनुष्य गति में होने पर भी जब मनुष्य गति से संबंध काट करके आठ दिन के लिए एक रक्षा सूत्र और मंत्र के माध्यम से, स्थापना निक्षेप के माध्यम से जब उसमें इंद्र की कल्पना की जा सकती है, स्थापना निक्षेप का व्यवहार किया जा सकता है, आचार्य कहते हैं हम भी तुम्हें एक मंत्र देते हैं, और वो स्थापना निक्षेप का मंत्र नहीं है, वो वास्तविकता का मंत्र है।
क्या है कि वहां तो इंद्र की स्थापना की थी, यहां पर इंद्र की, यहां पर सिद्धत्व की स्थापना करने का मतलब क्या कि तुम स्वयं सिद्ध से किसी तरह कम नहीं हो। एक बार अपने को सिद्ध स्वरूप स्वीकार करो, मिथ्यात्व और राग देश का सुआसू तक लगेगा ही नहीं, अनंत काल तक नहीं लगेगा। अरे जब बचेगा ही नहीं मिथ्यात्व तो लगेगा क्या? क्यों? क्यों मिथ्यात्व इसीलिए तो लगा है कि हम अपने को पामर मान रहे हैं। स्थापना बदलो। मनुष्य गति में रहते हुए भी जैसे वो इंद्र की स्थापना होने पर मनुष्य गति के व्यवहारों से अतीत हो जाता है, इसी तरह मैं सिद्ध परमात्मा के समान सिद्ध स्वरूपी मुक्त स्वरूप शुद्धात्मा हूं। एक बार अपने में अपनी मुक्त स्वरूप की स्थापना की, अब बंधन से हम प्रभावित होने वाले, बात पूरी हो गई। सिद्ध की स्थापना की, वो अल्प काल में सिद्ध हुए बिना रहेगा नहीं, अथवा यूं कहें कि जिसको अल्प काल में सिद्ध होना है उसी को अपने में सिद्धत्व की स्थापना का परिणाम आता है। अब सोच लेना कि अपने को अपने में सिद्धत्व की स्थापना का परिणाम आता है कि नहीं। अरे साहब हमारी ऐसी कहां योग्यता, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, है ना? लेकिन ये स्थापना की योग्यता कौन देख रहे हैं कि ये कुंद कुंद जैसे महान संत देख रहे हैं, ये अमृत चंद्र जैसे महान संत देख रहे हैं। अरे एक वीतरागी संत की दृष्टि में अनंत ज्ञानियों का समर्थन होता है। क्या कहा? एक वीतरागी संत की दृष्टि, एक वीतरागी संत का प्रतिपादन, उस एक वीतरागी संत के प्रतिपादन में अनंत केवलियों का समर्थन प्राप्त है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे में सिद्धत्व की स्थापना की योग्यता को कुंद कुंद आचार्य देख रहे हैं, अमृत चंद्र आचार्य देख रहे हैं, सिमंदर परमात्मा देख रहे हैं, अरे अनंत जिनेश्वर देख रहे हैं। नहीं देख रहे तो कौन नहीं देख रहे? हम ही नहीं देख रहे, हम ही नहीं देख रहे, बाकी सब देख रहे हैं। ज्ञानी, ज्ञानी सब देख रहे हैं और हम नहीं देख रहे। जिस दिन ज्ञानियों ने जैसा हमारा स्वरूप देखा वैसा स्वरूप देखने की दृष्टि हमारी हो जाएगी, उसी समय हमारे में अनंत सिद्धों की स्थापना हो जाएगी। और अनंत सिद्धों की स्थापना होकर के हम अपने में झुके, ये अनंत सिद्धों की स्थापना, तो अपने में झुकना इसका नाम ही सिद्धों को वंदन है। और ये वंदन हो तब विकल्प में ऐसा आवे, प्रभो आप सिद्ध हुए लेकिन आपके पथ पर चलकर, आपके दर्शाए हुए शुद्धात्मा की आराधना के पथ पर चलकर मैं भी सिद्ध बनूंगा, बनूंगा और बनूंगा। मुझे अपने सिद्धत्व के बारे में अब रंच मात्र भी शंका नहीं होती। केवली भगवान ने मेरे अनंत भव देखे होंगे तो, अरे जिसने केवल ज्ञान को अपने अंदर में देख लिया, केवल ज्ञान के स्वरूप का निर्णय कर लिया, केवली परमात्मा कहते हैं कि अनंत केवलियों ने उसके भाव देखे ही नहीं, है ना? हम लोगों को बहाने मारने की आदत है, अपनी रुचि के अनुसार हम सुनना चाहते हैं, ज्ञानियों की बात को भी अपनी रुचि के अनुसार मानना चाहते हैं, लेकिन ज्ञानियों के दृष्टिकोण के अनुरूप अपना दृष्टिकोण नहीं बनाना चाहते। जब तक हम ज्ञानियों के दृष्टिकोण के अनुरूप अपना दृष्टिकोण नहीं बनाएंगे तब तक हम ज्ञानी होकर के सिद्धालय की ओर यात्रा नहीं कर सकते। आचार्य कहते हैं अपने अभिप्राय से, अपने अभिप्राय के अनुसार ज्ञानियों के अभिप्राय को अनंत बार हमने माना, लेकिन ज्ञानियों के अभिप्राय के अनुसार एक क्षण भी अपना अभिप्राय नहीं बनाया, इसलिए संसार की रखड़पट्टी चल रही है। अब ज्ञानियों के अभिप्राय के अनुसार
कि ज्ञानी आचार्य कह रहे हैं कि तुम अपने में सिद्धों की स्थापना करो, उनका वाक्य पूर्ण होने के पहले पहले हमारे अंदर में सिद्धों की स्थापना हो जाए तो हमने ज्ञानियों के वचन की आराधना की। हमने तो अपने और श्रोताओं के हृदय में, ज्ञान में, उनकी परिणति में सिद्धों की स्थापना कर दी। इतना कहते के साथ ही कि प्रभु आपने मेरी ऐसी योग्यता देखी, गजब, एकदम अपने स्वभाव का आह्लाद आकर के अंतर्मुख परिणति हो जाए, अपने में अनंत सिद्धों की स्थापना हो जाए। भाई आचार्य ने हमारे में स्थापना की, उनकी स्थापना से हमारा भाव बंधन नहीं कटेगा जब तक हम अपने में सिद्धत्व की स्थापना नहीं करेंगे। भगवान अपने को भगवान कहते हैं, ध्यान से सुनना, दो मिनट में पूरा होता है, जो भगवान अपने को भगवान कहते हैं इससे हमारा भगवानपना प्रकट नहीं होगा, लेकिन भगवान हमारा भगवानपना कहते हैं अपने ऐसे भगवानपने का जिस दिन हमें स्वीकार होगा उस दिन हमारा पामरपना टिकेगा। अभी हमें क्या करना है, रास्ता अपने पास है, आगे की चर्चा कल की स्वाध्याय में करेंगे।